हेलो, मैं हूँ तौसीफ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट्स कैसे कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो भी है उसे फ़ोटो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मे बी प्रूफ के लिए मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से स्क्रीन शॉट्स कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। नंबर वन पे है विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन। आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर जब भी विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन एक साथ प्रेस करते हैं तो जो भी डिस्प्ले पे शो कर रहा होता है वो कैप्चर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी मेरा डेस्कटॉप यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन एक साथ प्रेस करता हूँ तो मेरा स्क्रीन कैप्चर हो गया और आपने देखा कि हल्की सी जो लाइट है वो ब्लिंक करती है, हल्का सा डार्क हो जाता है। फिर से मैं करता हूँ विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये कैप्चर हो गया, ये कैप्चर हो गया, बट ये सेव कहाँ हुआ? तो चलिए देखते हैं। फाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिए और जाइए पिक्चर्स में। पिक्चर्स में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन शॉट्स नाम से एक फोल्डर बन जाता है और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा डेस्कटॉप था वो कैप्चर होकर के यहाँ पे आ गया है। तो सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी विंडो को कैप्चर करना चाहूँ तो मैं फिर से प्रेस करूँगा विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये देखिए ये कैप्चर होकर के यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहला और आसान तरीका है विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन का जो की है वो आप प्रेस कर सकते हैं तो आपका जो भी डिस्प्ले पे शो कर रहा है वो कैप्चर हो जाएगा। आप पेंट के ज़रिए भी आप अपने स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ओपन करते हैं पेंट, पेंट, और इसे ओपन करने के बाद ये देखिए ये ओपन हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमें इसे कैप्चर करना है, ये जो स्क्रीन है ना इसे हमें कैप्चर करना है। तो हमें क्या करना है कि सिंपली जाना है पेंट में और यहाँ पे हमें कंट्रोल वी प्रेस करना है, कंट्रोल वी, और ये देखिए ये विंडो जो है वो यहाँ पे कॉपी हो गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप पहले से किसी चीज़ को कॉपी करके ना रखा हो। अगर पहले से आपने कुछ कॉपी किया हुआ है तो वो चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अगर आपने पहले से कुछ कॉपी नहीं किया हुआ है तो जो आपका करंट स्क्रीन होगा वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आप इसे चाहिए, अगर इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ ड्रॉ करना है तो आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इंडिकेट वगैरह करना हो तो आप वो चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली जाइए फाइल में और सेव इसे कर दीजिए, सेव एज, यहाँ से आप PNG जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए और उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से लोकेशन चूज़ कीजिए, उसकी नेमिंग कर दीजिए और उसे सेव कर दीजिए। आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं किस फॉर्मेट में आपको इसे सेव करना है, एंड सेव कर दीजिए। इसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया और हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ये देखिए ये कैप्चर होकर के यहाँ पे सेव हो गया। तीसरा तरीका है स्निपिंग टूल। हर विंडोज़ कंप्यूटर में स्निपिंग टूल होता है। सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्निपिंग टूल, ये देखिए आ गया, ये देखिए ये स्निपिंग टूल है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है न्यू, अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे अगर आप क्लिक करें तो फ्री फ्रॉम स्निप रेक्टेंगुलर एंड विंडोज़ एंड फुल स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल फुल स्क्रीन को मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए ये कैप्चर होकर के आ गया। इसमें ड्राइंग का भी कुछ टूल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से आप पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इसे इरेज करना हो तो आप सिंपली इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कीजिए, लोकेशन चूज़ कीजिए और इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा ये डेस्कटॉप भी सेव हो गया। इसमें और भी कुछ खास है, जैसे कि अगर हम लोग न्यू में जाते हैं, न्यू में, और यहाँ से हम लोग रेक्टेंगुलर अगर इसने सेलेक्ट करते हैं तो देखिए कि ये है और यहाँ पे हम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना हमें कैप्चर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि जो टॉप बार है ये सिर्फ कैप्चर हो, है ना, तो ये देखिए ये सिर्फ कैप्चर हो गया। फिर उसी तरीके से आप सेव कर सकते हैं। फिर से अगर न्यू में जाते हैं तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, विंडो स्निप, देखिए सिर्फ विंडो जो है, यहाँ पे जो टास्क बार था वो कैप्चर नहीं हुआ, सिर्फ विंडो कैप्चर हो गया। तो ये था तीसरा तरीका स्निपिंग टूल।
तो सबसे पहला तरीका था विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन, दूसरा तरीका था पेंट टूल में जाके कंट्रोल वी प्रेस कीजिए, बट वहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि पहले से आपने कुछ कॉपी नहीं किया हुआ है, और तीसरा तरीका था स्निपिंग टूल जो कि सबसे बेस्ट है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं विंडो के अकॉर्डिंग, रेक्टेंगुलर शेप के अकॉर्डिंग या फिर फुल स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो स्निपिंग टूल जो है वो काफ़ी अच्छा है। बट अगर सिंपली शॉर्ट में करना हो तो विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन का जो की है वो हम प्रेस करके सिंपली अपनी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए प्लीज़, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।